बोचहा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आरजेडी ने बढ़त बना ली है। राजनीतिक तौर पर यह सीट कई पॉलिटिकल पार्टीज, बिहार की जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसके हिसाब से आरजेडी ने बढ़त बना ली है। क्या कुछ इसका असर होगा आने वाले दिनों में, और क्या चल रहा है बोचहा मतगणना केंद्र पर? हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार वहाँ मौजूद हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या वहाँ अभी रुझान है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अभिषेक, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है और क्या अपडेट है अभी तक? जी, अभी तक 18वें राउंड की मतगणना हो चुकी है, जिसके बाद जो है 22,000 करीब के वोटों से जो अमर पासवान है राजद के, वो जीत रहे हैं। बेबी कुमारी अभी जो है पीछे चल रही हैं। वहीं पर जो गीता देवी हैं उनको आप देख सकते हैं वीआईपी पार्टी के, यहां से वापस लौट गए। राजनीतिक तौर पर अभिषेक, जो रुझान बता रहे हैं आरजेडी ने लीड ले लिया है, राजनीतिक तौर पर यह क्या संदेश देता है अभिषेक? क्योंकि यह सीट, यह चुनाव हर एक राजनीतिक दल के लिए प्रतिष्ठा का एक तरह से सीट बना हुआ था, राजनीति के धुरी के केंद्र के रूप में यह उपचुनाव था। इसको राजनीतिक तौर पर जो रुझान अभी तक दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वह क्या संदेश देता है अभिषेक? जी देखिए, इस बार जो यहाँ की से जो राजनीतिक संदेश जा रहा है, खास करके बोचहा में जो भूमियार वोटर हैं, जो सवर्ण हैं, जो कि शुरू से ही भाजपा के कैडर वोटर रहे हैं, और इस बार उनका जो वोटिंग हुआ है वो एंटी बीजेपी हुआ है, जिन्होंने राजद को वोट दिया है, तो जिसे एक अंदाजा भी लगाया जा रहा है, क्योंकि इस बार हर सभा में तेजस्वी यादव जो चर्चा करते थे कि हम माई समीकरण के नहीं ए टू जेड समीकरण अब हमें चलाना है, तो वो ए टू जेड समीकरण यहाँ पर दिख रहा है राजद का वोट। जी अभिषेक, आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि अभी मतगणना का कुछ और राउंड्स बाकी है। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और तमाम समीकरण, राजनीतिक समीकरण और रुझान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप नज़र बना के रखिए अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता अभिषेक जो जानकारी दे रहे थे, यकीनन अर्श से फर्श तक पहुँचे मुकेश साहनी के लिए ये झटका हो सकता है, क्योंकि साहनी वोटर कंसोलिडेट करके उनकी तरफ जाएंगे, ऐसा उनकी उनकी सोच रही होगी, और जो अभी रुझान अभी तक दिखाया जा रहा है उसमें उनको झटका यकीनन लगा है, उनको फिर से ज़ीरो से शुरू करनी होगी। एनडीए की बात करें तो यकीनन साहनी वोटर्स जो पहले एनडीए का हिस्सा थे, वीआईपी पार्टी, उसमें उस पार्टी के उनके वोटर्स स्प्लिट किए, जिसका फ़ायदा आरजेडी को दिख रहा है। और बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कई बड़े नेता, वहाँ वरिष्ठ नेता बीजेपी के वहाँ कैंप किए हुए थे। कोशिश ये थी कि जो भूमियार समाज के वोट हैं वो उनकी तरफ आए, ये भी स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। MY समीकरण इंटैक्ट है आरजेडी के फेवर में। इसके साथ साथ पासवान वोटर्स पूरी तरीके से, जो मुसाफिर पासवान के बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, अमर पासवान, उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। शायद यही वजह है कि रुझान इस तरफ जाता दिख रहा है। आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे और अपने संवाददाता से रुझान के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।